चालू करते हैं अपन लोग, है ना, कोऑर्डिनेट के अंदर का सीन क्या है। ठीक है, अगला कल तक अपन लोगों ने जो डिवीजन कर लिया था ना, उस डिवीजन के आगे का पहला पॉइंट लिखेगा, बहुत ही काम का पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखेगा इफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है भाई, इफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जो वाकई बहुत काम के हैं और आपके चीजों को आसान बनाते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, इफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू, ठीक है ना, इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ठीक है ना, देन रेशो इज इक्वल टू माइनस का एक्स वन अपॉन एक्स टू, एक्स एक्सिस है ना उल्टा, माइनस का वाई वन अपॉन वाई टू, देन रेशियो इज इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन वाई टू। ठीक है ना भाई, बहुत काम की बात है ना। इसको जरा इससे पहले कि आगे जाऊं, मैं आपको इसका जरा थोड़ा एनालिसिस करके बता देता हूं कहानी क्या है। आपको तो ये याद रखना जो मैंने बताया, ठीक है ना, वो नहीं जो अब समझने वाले, ये तो बस समझ में आना चाहिए कहानी क्या थी, कैसे कैसे हो गया, कि ये सर ने क्यों बोला। मान लीजिए कोई एक लाइन है जिसके अंदर ए करके एक पॉइंट है और वो पॉइंट है एक्स वन वाई वन, और बी करके एक पॉइंट है जिसका नाम है एक्स टू वाई टू, राइट है, और ये दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस डिवाइड करता है। एक्स एक्सिस जहां भी डिवाइड करेगा वहां पे पॉइंट, डिवाइडिंग पॉइंट को मैं हक मान रहा हूं, हक मानने की बजाय एच कॉमा जीरो हो गया वो ऑटोमेटिकली, उम्मीद आपको समझ में आ गया, राइट है। बट ये वाला जो रेशियो है ना यहां से लेके यहां तक का, इसको मैं ले रहा हूं एम वन, इस वाले रेशियो को मैं ले लेता हूं एम टू, राइट है भाई, वेरी श्योर। अच्छा, इस पूरी कहानी के अंदर हम लोगों को एक पॉइंट सरकार बता चुकी चुपचाप कि ये वाला इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो, तो मैं तो डायरेक्ट उसकी हेल्प ले लूंगा क्योंकि मुझे पता है वो पॉइंट है ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये पक्का करना है कि आप ये बात मान जाओ कि एम वन अपॉन एम टू इतना है, मुझे तो ये प्रूव करना है, मुझे ये पक्का करना है इस पूरे उसमें कि एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन वाई टू है ना, मुझे बस इतना सा पक्का करना है। अच्छा, मैं ये जानता हूं कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है जीरो, राइट है, तो मैं अपनी तरफ से वाई कोऑर्डिनेट निकालता हूं बिना ये जाने कि जीरो है कि नहीं है। मैं अपनी तरफ से अगर कोई पूछता हूं वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा तो मैं वाई कोऑर्डिनेट बताता एम वन इंटू वाई टू, बोलता ना यही एम वन इंटू कितना वाई टू प्लस एम टू इंटू में वाई वन, है ना भाई, और अपॉन में कितना एम वन प्लस एम टू, राइट है। वाई कोऑर्डिनेट जो मेरी तरफ से निकलता वो ये निकलता, बट सरकारी वाई कोऑर्डिनेट कितना निकल बैठा जीरो, तो मैंने सामने हमने सामने बैठा दिया, ठीक है ना। तो एट एक्स एक्सिस मैंने ये बात यहां पे लिख भी दी कि एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस के कारण ये सब चमत्कार हुआ, राइट है, और जैसे मैं ऐसा कर रहा हूं ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जीरो में, और अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जीरो में तो एम वन वाई टू प्लस में एम टू वाई वन प्लस में कितना एम टू वाई वन इक्वल टू कितना हो गया जीरो। इसको उधर कुछ उचका दिया, उचका दे ये माइनस का एम वन एम टू वाई वन हो गया। अब मैंने यहां पे एम वन को बुला लिया और एम टू को नीचे से सरका लिया, ठीक है, उधर की तरफ ऑलरेडी क्या रह चुका है वाई वन अपॉन वाई टू, हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ, तो एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू में माइनस का वाई वन अपॉन वाई टू, ये चीज मेरे को पक्की करनी है। अच्छा, अब ये मैं आपको वापस याद दिला दूं, ये जो प्रूफ है ये हमारे काम में आते हैं, किस काम में, ये बताने के कि आपको ये पता होना चाहिए अगर एक भी कोऑर्डिनेट पता है तो आप रेशियो भी निकाल सकते हैं, है ना, प्रूफ कराने का पर्पज क्या है ना, ये ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट मानो, हाँ भाई, हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, अगला पॉइंट लिखिएगा, राइट है, लिखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है इफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वापिस से ये वाले दो पॉइंट लिख लेना, इफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू एंड बी एक्स टू वाई टू, लिख लिया, इज डिवाइडेड बाई
इज डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस, देन रेशियो क्या होगा? बस डायरेक्ट माइनस का एक्स वन अपॉन एक्स टू, बिल्कुल है ना, माइनस। हाँ, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब की बार क्या होगा प्रूफ में बताएगा कोई बच्चा? एक्स जीरो हो जाएगा, हो गया। अच्छा अगला पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर तीन, थर्ड पॉइंट है ना भाई, थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा इफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, हाँ थोड़ा गैप लेके लिखना है, मैं समझ रही। इफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए ये वाला और बी ये वाला है ना, पॉइंट लिख लो, ए एक्स वन आई वन बी एक्स टू आई टू। इफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाई अनदर लाइन, ठीक है। अब की बार ना एक्स एक्सिस आया ना कुछ आया, अनदर लाइन, ठीक है ना। लाइन दे रखी वाई इज इक्वल टू कितना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। डिवाइड बाई अ लाइन कितना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन रेशियो विल बी, देन लिख लीजिएगा, देन रेशियो इज इक्वल टू कितना, माइनस का ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में नीचे कितना, ए एक्स टू प्लस में बी वाई टू प्लस सी, राइट है भाई। लोग क्या करते हैं, बस इंतजार करते हैं, बस एक बार लाइन दे दे, क्योंकि फार्मूला तो रटा होता है, खट से नहीं यूज कर लेते हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। आप में से कितने लोगों को समझ में आया ये लाइन दिख रही है आपको, ये ऊपर वाली वैल्यू कहां से लाएंगे, वो लाइन के अंदर क्या डाल देंगे, एक्स वन आई वन, फिर नीचे वाली वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, एक्स टू वाई टू, बस दोनों को रखना है, रखते हैं आंसर आ गया, ठीक है ना। अच्छा ये बार माइनस का भूलना मत, बार वाला माइनस है ना ऑलरेडी है। अच्छा अब ये लेकिन एक काम की चीज होगी, इस वाली बात को जरा समझने के लिए एक काम करते हैं, है ना भाई। ये कहानी क्या है, फोटो क्या है सर, समझाओ जरा, इसकी फोटो क्या है। मान लीजिए किसी के मन में आ गया इसकी फोटो क्या है ना, अपन ने एक लाइन पकड़ी, ये दोनों को मिलाने वाली लाइन है, इसका नाम है ए और ये वाला पॉइंट हो गया कितना, एक्स वन आई वन, और ये बी है कितना हो गया, एक्स टू वाई टू, राइट है। ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो है, ये अचानक से कोई एक लाइन आती है ऐसे, है ना, इस तरह से, और वो इसको डिवाइड करके चली जाती है इन सम रेशियो एम वन इज टू एम टू में, है ना भाई, एम वन और एम टू में डिवाइड करके भाग गई, राइट है। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस में कितना बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है। अब हम लोगों को क्या पता करना है, एम वन अपॉन एम टू कहां से लाए। इस बार पिछली बार जितना लकी काम नहीं है, पिछली बार जैसा काम नहीं है ना भाई, हमारे को पिछली बार तो क्या पता था, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट में कुछ पक्का था, इस बार तो कुछ भी पक्का नहीं है, लपड़े ही लपड़े, तो जाएंगे कैसे। तो अब की बार तो क्या है ना, हम फंस ही गए, तो हमने इस पॉइंट को मान ही लिया कि नहीं भाई पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट पी, इसको हक मान लिया, राइट है। हाँ अब थोड़ा लंबा काम है ना भाई, जरा ध्यान से समझना। जैसे ही मैंने हक माना, मेरे पास ना तो एच है ना मेरे पास के है, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूं ये एच के जो है ना इस लाइन पर है, तो मैंने पहली चीज अलग से करके रख ली, एच के ऑनलाइन कौन सी वाली, ए एक्स प्लस में कितना बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस लाइन पे एच के है। तो जैसे मैंने बोला ना एच के, तो इस लाइन पे तुरंत एच के इसको सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई करने का मतलब समझे आप, ये कितना हो गया, ए एच प्लस में बी के प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया, राइट है भाई। इस वाली बात को अपन ने पकड़ लिया। अच्छा अब आगे चले अपन पॉइंट नंबर दो, ठीक है, हम लोगों को तो रेशियो निकालने से मतलब था। अच्छा अब अपने ये लोग एक बात और जानते हैं, आप में से कई लोग ये जानते हैं कि एच की वैल्यूज होगी, ध्यान से सुना, एच इज इक्वल टू हो जाएगा एम वन एक्स टू, ठीक है ना भाई, प्लस में कितना एम टू एक्स वन अपॉन में नीचे कितना एम वन प्लस एम टू, यही होगा। अच्छा और दूसरी तरफ से अगर मैं k की बात करता हूं तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में नीचे कितना m1 प्लस m2, यही होगा, है ना। अच्छा जैसे मेरे पास h और k की वैल्यू आ गई रेशियो से, है ना, तो मैंने ये वाली वैल्यू उठाई h और k की और ये उठा करके इस h और इस k की जगह भर दी, नहीं आया, बात पकड़ मारी है ना, क्योंकि लाइन के अंदर एच और के पड़े हैं, एच के मेरे पास भी पड़े हैं, अगर वाकई में सच्चे है तो रख ले भाई, है ना। मैंने उठाया इस ए की जगह ए, एच की जगह ए वाली वैल्यू पुट करी, एम वन एक्स टू प्लस में कितना एम टू एक्स वन अपॉन में नीचे कितना एम वन प्लस एम टू, राइट है भाई। प्लस यहां पर अगर देखा था बी वाई, वाई की जगह कितना एम वन वाई टू प्लस में कितना एम टू वाई वन अपॉन में नीचे कितना एम वन प्लस एम टू। हालांकि दिखने में बड़ा खौफनाक दिख रहा है कि ये पता नहीं ये लफड़ा खत्म होगा या कहीं उलझ जाएगा, लेकिन कहीं नहीं जाने वाला, ये आपकी बॉल आपके कोर्ट में आके गिरेगी। सबको पता है M1 प्लस M2 दोनों में एलसीएम आएगा ही आएगा, ये कॉमन आया एलसीएम आया, इस C के साथ क्या हो जाएगा C इंटू M1 प्लस M2 और ये सरक करके जीरो में स्लाइड हो गया, राइट है। अब दुनिया की नजरों में क्या क्या बच गया वो दिखा देता हूं, दुनिया की नजरों में बच गया ए एम वन एक्स टू, राइट है भाई,
ए एम वन एक्स टू प्लस में कितना ए एम टू एक्स वन राइट है, प्लस में कितना बी एम वन वाई टू प्लस में कितना बी एम टू वाई वन राइट है भाई, प्लस सी एम वन प्लस सी एम टू, यही तो बचा भाई, इक्वल टू जीरो। अच्छा अब हमने क्या किया ना, इन इन लोगों को मार्क कर दिया, देखो एक तो इसको मार्क करा मैंने, अच्छा एक इसको मार्क करा और एक इसको मार्क करा, आपको पता है तीनों में क्या कॉमन है, एम वन दिख रहा है कि नहीं, एम वन कॉमन ले लिया, एम वन के कॉमन लेते ही आप लोगों को अंदर ही अंदर क्या दिखने लग गया, ए एक्स टू प्लस में कितना बी वाई टू प्लस सी, दिख गया कि नहीं दिखा। अच्छा और बाकी बचे तीनों जो लोग रह गए, ये और ये, तीनों में क्या कॉमन है, एम टू कॉमन आया, जितने में एम टू कॉमन आ रहा था उसको उधर उचका लिया है राइट है, आप इक्वल टू के उधर उसे जाते हुए देख रहे हैं, माइनस का एम टू हो गया है राइट है, और अंदर ही अंदर क्या कॉमन ले गया वो अपनी तरफ, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, दिख रहा है आपको। अब एम वन के नीचे एम टू लगाया तो दुनिया को दिखने लग गया, एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू में माइनस, ये वाली जगह को पकड़े रखा, ए एक्स वन प्लस में कितना हो गया बी वाई वन प्लस सी, दिख रहा है, और होल डिवाइड बाय नीचे वाला, इस वाली पार्टी को नीचे उचका दिया, ए एक्स टू प्लस में बी वाई टू राइट है प्लस सी राइट है, प्रूफ हो गया है ना। है ना, कर लीजिए आगे चलते हैं। लिख लीजिएगा इफ रेशो, अच्छा ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो भी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ना, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, आप इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाएंगे, आपका काम है सिर्फ काम काम के पॉइंट नोटिस करना, हाथों हाथ शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर देना स्ट्रेट लाइन के अंदर, अगर आप पूरी कॉपी मिलाएंगे ना नहीं समझ में आएगा, शॉर्ट नोट्स रोज के रोज तैयार करना, क्योंकि हम वैसे भी 40 मिनट ही पढ़ रहे हैं ठीक है ना, तो कोई इतना लंबा छोटा काम भी नहीं होता कि अपने से नहीं बनने वाले, काम काम के पॉइंट नोट करें, आगे चलना नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाइए ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट है कि इफ रेशो इज नॉट गिवन, इफ रेशो इज नॉट गिवन देन टेक, इफ रेशो इज नॉट गिवन लिख लिया, इफ रेशो इज नॉट गिवन देन टेक लैम्डा इज टू वन ठीक है एज रेशो राइट है भाई, बस इतना ही है, चार पॉइंट ही है, अगले पॉइंट पे आ रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट गया ठीक है। क्वेश्चन को सुनना, क्वेश्चन कह रहा है ठीक है ना, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ठीक है ना ट्राइसेक्टिंग, ठीक है ना ट्राइसेक्टिंग वन टू एंड फोर फाइव ठीक है ना, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग वन टू एंड फोर फाइव। हाँ भाई ये आपको पता है ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, तीन बराबर भागों में बांटना है ना, तीन इक्वल पार्ट्स में बांटना। अगर भाई दुबे बात चल रही है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की, तो देखिए साहब कहानी ये है, इस कहानी को समझ लेना, ए अपने को एक पॉइंट दे दिया वन टू ठीक है ना, और बी करके एक पॉइंट दे दिया जिसका नाम क्या फोर फाइव। अच्छा एक दो पॉइंट आए और इन्होंने दो पॉइंट ने तीन बराबर भागों में बांट दिया राइट है, मुझे ये डी और ये ई दिख रहे हैं, मुझे डी और ई से मतलब है, डी और ई के कोऑर्डिनेट निकालने राइट है भाई। अब काम की बात क्या, डी के कोऑर्डिनेट नहीं पता इसे तो मैंने हक मान लिया राइट है, इसको अपन कुछ पी क्यू मान ले राइट है भाई, मैंने अपनी तरफ से पॉइंट मान लिया। अच्छा सबको काम की बात ये और भी पता है कि ये सबका रेशो वन इज टू वन है, एक ही बार बोलूंगा ध्यान से समझ लेना भाई है ना, ये सबको पता है ये रेशो वन इज टू वन इज टू वन है। अब काम की बात क्या, मुझे तो डी और ई के कोऑर्डिनेट निकालने, तो मैं एट ए टाइम तीनों को नहीं उठा रहा, मैं एक टाइम पे किसी एक को उठा रहा हूं राइट है, मैंने डी के लिए बात चलाई है ना फॉर डी, सबसे पहले किसके लिए बात चला रहा हूं फॉर डी, डी के लिए बात कर रहा हूं, डी इस समय पर पूरी कहानी को वन इज टू टू में बांट रहा है, दिख रहा है आपको वन इज टू टू में बांट रहा है। अगर ये वन इज टू टू में बांट रहा है तो एच की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो एच इज इक्वल टू में वन इंटू फोर, वन इंटू फोर याद है ना, तो वन इंटू फोर प्लस में टू इंटू टू इंटू वन, टू इंटू इसका वाला एक्स है नहीं भाई, टू इंटू वन और होल डिवाइड बाई वन प्लस टू। सिमिलरली के की अगर मैं बात करता हूं तो के इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा वन इंटू फाइव, वाई कोऑर्डिनेट वाई के लिए लड़ेगा राइट है ना भाई, के वन इंटू फाइव, वन इंटू फाइव प्लस में कितना टू इंटू फोर, टू इंटू टू राइट है भाई, टू इंटू इसका वाला टू
राइट है, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, राइट है, तो फाइनली कितना हो गया 4 और 2 6 डिवाइड बाई 3, कहने वाला आंसर हो गया 2, इधर की तरफ कितना हो गया 5 प्लस 4 9, 9 डिवाइड बाई 3 बोले तो 3, तो इसलिए अपने पास में डी पॉइंट या कोऑर्डिनेट क्या चमकने लग गया 2, 3, राइट है भाई, ये डी कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा अब बात करता हूं किसके लिए, सेकंड पॉइंट ई के लिए, फॉर ई, राइट है भाई, ई की अगर मैं बात करूंगा तो ई के कोऑर्डिनेट निकालने, तो इस समय ई के लिए बात करेंगे ना तो अपन ये खेल खेलते हैं, है ना भाई, हाँ भाई, इस समय ई पे बात चल रही है, ई के लिए हमारे को पता है ये रेशियो 2 है और ये वाला रेशियो कितना है 1, अब मेरे को निकालना है ई के लिए, पी की वैल्यू निकालूंगा तो इस बार क्या होगा 2 इंटू 4 और 1 इंटू 1, बात पकड़ में आई कि नहीं आई, पी के लिए बात करता हूं तो देखो एक सेकंड, हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूं, पी इस गड़ो कितना हो गया 2 इंटू 4, ठीक है 2 इंटू 4 प्लस में कितना 1 इंटू 1 डिवाइड बाई नीचे कितना 1 प्लस 2, और उधर की तरफ क्यू की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्यू इस गड़ो कितना आ गया क्यू इस गड़ो 2 इंटू 5, ठीक है भाई 2 इंटू 5 प्लस में कितना 1 इंटू 2 और होल डिवाइड बाई नीचे कितना 1 प्लस 2, इसका मतलब कितना आ गया 3.4, तो ये वाला 4 आ गया, इसका मतलब पी क्यू इक्वल टू जैसा बताया आप लोगों ने, ठीक है ना, कितना आ गया 3.4, है ना भाई, ये क्या, हाँ तो अपने पास पॉइंट आ गया ना, कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक तो है ना डी और एक आ गया ई, अच्छा काम की बात है एक और, ठीक है ना, ट्राइसेक्शन के दौरान एक छोटा रास्ता भी है, ठीक है ना, और वो छोटा रास्ता क्या है, ये सारे पॉइंट्स अगर आप गौर से देखेंगे, एक बार जरा दोबारा से बिछाता हूं, ठीक है ना, हाँ ये वाला पॉइंट अगर देखा था 1, 2 है, डी पॉइंट जो आपने निकाला वो निकला 2, 3, दिख रहा है आपको 2, 3, अच्छा और ई पॉइंट जो आपने निकाला 3, 4, और अगला पॉइंट जो आप लोगों ने निकाला वो 4, 5 है ना, ये तो गिवन है ना भाई, तो अगर आपने इसे किसी ने गौर किया ए डी ई और बी, ये सारे के सारे पॉइंट एपी में थे, एपी में दिख रहा है आपको, एपी के अंदर चल रहा था सारा खेल, एपी में चल रहा था, और यही होता है, अगर मान लीजिए 4 बराबर भागों में बांटना हो, 2 बराबर भागों में बांटना हो, तो हर बार एपी का कार्यक्रम चलता रहता है, तो लोग क्या करते हैं ना, बस सिर्फ रेशो मिला मिला के खेलते हैं, रेशो से मिला मिला करके अगला पॉइंट सोच लेते हैं, ठीक है, और कैसे सोच लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो इसके और इसके बीच का गैप, राइट है, इसके और इसके बीच का गैप, दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ, कितना 3 डिवाइडेड बाई 3 कर देना, क्यों, क्योंकि ट्राइसेक्शन हो रहा था, और यही अगर 4 हिस्सों में बांटना होता तो डिवाइड बाई 4 कर देता, राइट है, तो अपन क्या करते हैं पूरे का गैप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, गैप हो गया कितना 4-1, यहां से देखा था तो 4-1 और यहां से देखा था तो 5-2 और होल डिवाइड बाई 3 करते हैं, तो जैसे डिवाइड बाई 3 करते हैं तो ये 1-1 आ जाता है, इसका मतलब हर चीज में 1-1 ऐड करना है, इसमें एक एक जोड़ोगे 2-3 आ जाएगा, इसमें एक एक जोड़ोगे 3-4 आ जाएगा, इसमें एक एक जोड़ोगे, है कि नहीं, तो बस ये वाला एक मैटर लगाते हैं, खट से क्वेश्चन आंसर बन जाता है ना, ये अगर यही बाई द वे सपोज करो अब ये 0-0 भी होता, अगर ये 0-0 भी होता तो अभी आपसे क्वेश्चन बन जाता, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बस आपको सिर्फ गैप डिवाइड बाई 3 करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए इक्वली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, इक्वली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरी कहानी कैसे चल रही है, इक्वली डिवाइड हो रही है तो हो जाएगा, नहीं तो आप रोक देना, है ना भाई, बस ये अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है, अच्छा और कोई जरूरी नहीं है कि ये आपको ट्राइसेक्शन गागा के दे कि ट्राइसेक्शन करो, अगले पॉइंट पे आ जाओ फटाफट, हाँ भाई अगले पे लिखेगा लाइन ज्वाइनिंग ए दे रखा है और बी दे रखा है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय पी क्यू आर, इज डिवाइडेड बाय पी क्यू आर, ठीक है ना, सच दैट एपी इज इक्वल टू कितना, पी क्यू इज इक्वल टू में कितना क्यू आर, है ना, इज इक्वल टू में आर बी, लाइन ज्वाइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, फाइंड पी क्यू आर,
निकाल लोगे? करिए। हाँ भाई, ये बताओ तुम्हारा कितना बना कैप? इसका आंसर बन गया पी। बताओ तो यार, तुम बातें कर रहे हो। हाँ, मैं तो मना ही नहीं करता बातें करने से, लेकिन काम तो कर लो। कभी मना किया मैंने तुम्हारे को? कभी रोका मैंने आज तक? किसी को ही नहीं रोकता मैं तो। आदमी बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? आज के दिन फेसबुक 1,00,000 करोड़ रुपए का है, 15,00,000 करोड़ रुपए का शायद, 15,00,00,000 करोड़ का तो फेसबुक है। किसके कारण? बातों के कारण है। किसी को रोकता ही नहीं, ये तो बिजनेस है। रोक करो ना यार, खूब बातें करो। हाँ भाई, ये अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा कर रहे थे अपन लोगों ने, क्या कर लिया था? ए की वैल्यू कितनी निकाली थी? 3,400। और बी की वैल्यू कितनी निकाली थी? 3,-2, है ना भाई? अच्छा, ये वाला पॉइंट को अपन ने ए मान लिया था, ये वाले पॉइंट को पी, ये वाला ये क्या है क्यू, और ये वाला पॉइंट क्या है आर, और ये वाला नथिंग, बस यही दे रखा है। और सब बराबर बराबर, बराबर का मतलब 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया। अच्छा, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो लोगों ने क्या इसका और इसका गैप निकाला है कि नहीं? तो एक सेकंड, गैप कितना आ गया? 0। और दूसरी तरह से एक मिनट, 4 - -2 माने 6/4, हाँ या ना? अच्छा, जैसे डिवाइड बाई ऐसे ही ना? हाँ भाई, ये अगर देखा जाए तो कितना आ गया? 0। और यहां पे कितना आ गया? 3/2। माने अपने को क्या करना है, हर बार इसमें एक्स में तो 0 जोड़ना है और y में 3/2 है कि नहीं? जोड़ जोड़ के देख लेते हैं एक बार जरा। इस पर 0 जोड़ते हैं तो माइनस करना है क्या? अच्छा, कैसे पता आपको? बहुत ही बढ़िया। क्या? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल। देखो, 4 से घटते घटते ले जा रहे हो आप, सही है, लेकिन घटाना आपको डेढ़ कम करते जाओ। 3/2 माइनस होगा। अब ये तो अक्कल लगानी पड़ेगी ना, जल्दी से पहुंचना चाहते हैं, थोड़ी सी अक्कल लगेगी। यहां तो 3 आ गया, 0 घटाया, ठीक है ना? ये भी 3 आ गया, ये वाला भी 3 आ गया, क्योंकि 3 तो सरक ही मेरा, हर किसी में 0 घटाना है, घटाना। अच्छा, 4 में से डेढ़ घटाया, 2.5 रह गया, 2.5 को दुनिया वाले 5/2 बोलते हैं, 2.5 में से भी डेढ़ घटा दिया, 1 बच गया, 1 में से भी डेढ़ घटा दिया, -1/2 बच गया, और -1/2 में से डेढ़ घटाया, -2 हो गया। लोकेशन खत्म। नहीं, अरे इसी को तो कहते हैं दिमाग, क्वेश्चन के अंदर इसी के तो पैसे मिलेंगे, है कि नहीं? खटखट खटखट आंसर निकाले, छोटा रास्ता पकड़ा। हाँ भाई, 4 हिस्सों में बांटना था ना, तो 4 से डिवाइड, 3 हिस्सों में बांटना, तो 3 से डिवाइड, यही तो पिछली बार किया था अपने, यहां 3 हिस्सों में बांटना था, 3 से डिवाइड कर दिया, छोटा रास्ता है। अब इसमें भी अगर तकलीफ है तो मतलब मुश्किल हो जाएगा ना, है कि नहीं भाई? अच्छा हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते? इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला 3,1, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला ये, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला वो, क्यों नहीं कर सकते? करो, है ना? अच्छा, ये वाला भी हो गया। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। ये तो क्या है, छोटू छोटू गेम में कोई मतलब नहीं है, है ना? थोड़ा अच्छी जगह पे भी चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला पॉइंट पकड़ते हैं, है ना भाई? अच्छा, इससे पहले कि अपन अगले पॉइंट तक पहुंच जाएं, है ना, मेरा पे कुछ बाकी भी था, ड्यू भी था, है ना? बिफोर इससे पहले कि अपन ये सब लीव करके आगे चलें, ठीक है? बिफोर लीविंग एनीथिंग एंड गोइंग टू द सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना, अभी तक का जितना भी है ना, अब तक का जितना भी है, उस पार्ट की तक की समरी लगा देता हूं और मेन पॉइंट लगा देता हूं, है ना भाई? आपको याद दिला देता हूं, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, है ना? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिए, याद है ना? कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, याद है? ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, हम लोगों ने पढ़े थे काम काम के, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, है ना, स्केलिंग, और फिर उसके अंदर राइट एंगल आइसोसेलेस, है ना भाई? अच्छा, और कौन सा? ऑब्ट्यूज, ठीक है ना? अच्छा, अब काम की बात करते हैं। और हमने और क्या पढ़ा? क्वाड्रिलेटर पढ़ा। क्वाड्रिलेटर में भी 4 पे हमारी बुरी तरह नजर रही, है ना? कौन कौन सा 4 पे रही? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। इसके सिवा 2 और जने हमने जबरदस्ती पढ़ लिया, एक तो काइट और एक ट्रेपेजियम, याद आ गया आपको, है ना? ये सब हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, और आगे करते हैं, याद है ना? हम लोग अगर बाई दे बात करते हैं किसकी? क्वाड्रिलेटर की। तो क्वाड्रिलेटर की नेचर अगर पता करनी होती है तो नेचर पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या पता करते हैं? मिड पॉइंट सेम है कि नहीं? अच्छा, मिड पॉइंट के बाद में रेक्टेंगल, ट्रायंगल, डायगनल की साइड, है ना? और जरूरत पड़े तो एंगल बिटवीन डायगनल, और जरूरत पड़े तो साइड्स, है ना भाई? यहां तक की बात हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, अब और आगे चलते हैं, और राइट है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा डिवीजन, उसके बाद हमने पढ़ा डिवीजन। डिवीजन में भी 2 तरह का डिवीजन, इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट है भाई? अच्छा, अब जो भी हम लोगों ने यहां तक पढ़ाना, उसके अंदर अगर कुछ बच गया है, जैसा मैंने कहा था ब्रीफिंग,
ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले अगले पॉइंट पे चलने से पहले ब्रीफ कर लेते हैं, ठीक है ना, ब्रीफिंग, ठीक है ना। इससे पहले कि अपन आगे जाएं, कुछ काम के पॉइंट्स जो मैंने बचा लिए थे, मेरे को नहीं लगा था कि पहले दिन ही अगर मैं सब्जेक्ट के अंदर ऐसी बातें उठाऊंगा तो शायद बच्चा थोड़ा बेचैन हो जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए चर्चा करते हैं। राइट है भाई? हाँ भाई, सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं मैं, है ना, ऐसी बातें जो हम लोगों ने अब तक नहीं बोली, इन पैरलोग्राम। राइट है भाई? पैरलोग्राम के अंदर सबको फोटो याद है, एकदम 100% बराबर है ना, ए बी सी डी, मैं वापस याद दिला देता हूं, अपोजिट साइन सेम होती है, डायगनल्स अनइक्वल होते हैं, याद है ना, अपोजिट साइन साइड सेम और डायगनल अनइक्वल। काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ये कोई भी दो एंगल ले लो, कोई भी साइड के दो एंगल ले लो, ये और ये, या ये या ये, और साइक्लिक ऑर्डर में चलते चलो, सबका आंसर पाई होता है, माने ए प्लस बी है ना, बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज इक्वल टू में कितना, डी प्लस ए, एंड एवरीथिंग इज पाई। राइट है भाई? पहला काम हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट लिख ला, लिखते चलना ये आप मेरे साथ साथ, है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसके अंदर, मैं ब्रीफिंग कर रहा हूं जल्दी जल्दी, ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेगा। राइट है? सेकंड पॉइंट क्या वो भी सुन लेना, अगर हमने ये यहां तक लिख लिया तो, सेकंड पॉइंट है ना, कि अगर मान लीजिए मुझे एरिया निकालना है, अगर मुझे एरिया निकालना है तो मेरे पास में अगर ये वाली साइड की लेंथ अगर ए पड़ी है ना, और ये वाली साइड की लेंथ अगर बी पड़ी हुई है। राइट है भाई? ठीक है, तो मैं ये जानता हूं कि जैसे मैं डायगनल को मिलाऊंगा तो मैं ये लिख देता हूं, एरिया ऑफ पैरलोग्राम, एरिया ऑफ पैरलोग्राम इज इक्वल टू में टू टाइम्स द एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। सोचा आपने? एबीडी, एबीडी माने ये वाले ट्राइंगल का डबल, है ना, ये वाले ट्राइंगल का दुगना। अब बताइए ये वाले ट्राइंगल का एरिया मेरी नजर में क्या है, 2 इंटू में हाफ ए बी साइन ए। सोचो, साइन ए, ए कौन है यहां पे, ए कौन है यहां पे, अरे ये वाला एंगल ए पे बनने वाला एंगल, ए कौन है, स्मॉल ए, ये लेंथ याद है ना, वो कौन सा तरीका, हाफ ए बी साइन ए, हाफ बी सी साइन साइन, हाफ बी सी साइन ए, याद है ना, वही वाला फंडा लगाए, है ना, हाफ ए बी और इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल ए ले रहा हूं मैं। राइट है? लेकिन इस वाले के अंदर वो ए और बी वो नहीं है, आमने सामने वाली साइड नहीं है, सिर्फ साथ वाली साइड है, ठीक है ना भाई, हाँ, एडजेसेंट साइड्स। तो आंसर हो गया कितना, ए बी साइन ए, ठीक है, पहला आंसर। ठीक है, सेकंड पास हो। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट पे भी चर्चा कर लूं, है ना। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर बाय द वे मैं यहां से यहां तक की लेंथ को डी वन मानता हूं, क्या मानता हूं, डी वन, अच्छा, और अगर मैं यहां से यहां तक की लेंथ को डी टू मानता हूं, है ना, ये लेंथ कितनी है, डी वन है, और ये लेंथ कितनी है, डी टू। तो आप में से हर एक जना इस बात के लिए एग्रीड है, ठीक है, कि वो यहां से यहां तक की लेंथ को डी वन अपॉन टू पड़ेगा, यहां से यहां तक की लेंथ को कितना पड़ रहा है, डी वन अपॉन टू। अच्छा, ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ को कितना पड़ रहा है, डी टू अपॉन टू, यहां तक तो कोई दर्द नहीं है ना भाई, डी टू अपॉन टू, ये आपका डायगनल है ना भाई, क्यों क्यों, ये जस्ट शादी कैसे होगी, ये कैसे पक्का करोगे, मिड पॉइंट है, हाँ या ना, मिड पॉइंट है पक्का। अच्छा, दूसरी बात क्या ना, अब मेरे दिमाग में बात नंबर दो आ रही है, बात नंबर दो ये आ रही है कि मैं अगर बाय द वे इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, ठीक है ना, इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं निकालता हूं तो क्या उसका 4 times करते ही मेरे पास में सबका एरिया आ जाता है कि नहीं आ जाता, yes, आ जाता है, yes, सोचो ना कैसे, मैं याद दिलाता हूं, ये वाला एंगल बोलो कितना, थीटा ले लो, कितना ले लो, थीटा, कितने लोगों को पता है ये वाला एंगल कितना, ये पाई माइनस थीटा, कितना हो गया, पाई माइनस थीटा, वेरी श्योर। अच्छा, आप समझना जरा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हो गया हाफ डी वन बाई टू इंटू डी टू बाई टू इंटू दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा। राइट है कि नहीं, एक मिनट के लिए, मैंने ये वाला एरिया इस वाले पॉइंट को अगर मैं क्या मान लू, ई मान लेता हूं, अच्छा ओ मान लेता हूं, चलो बहुत अच्छा नाम दे दिया, ठीक है ना भाई। अगर मैंने इसे किसी ने ट्राइंगल में किसका एरिया पूछ लिया, एडीओ, ठीक है ना भाई, एडीओ का एरिया पूछा, तो मैं बोल रहा हूं कितना, हाफ, पहला कितना, डी वन बाई टू। राइट भाई, डी वन बाई टू, हाफ डी वन अपॉन टू इंटू में कितना, डी टू अपॉन टू इंटू में इन दोनों के बीच का एंगल कितना, साइन थीटा। राइट भाई? अच्छा, मैं इस वाले का एरिया बोल रहा हूं, एबीओ का, ट्राइंगल एबीओ का एरिया, ये जानबूझकर अलग लिख रहा हूं, ट्राइंगल एबीओ का एरिया, आपको बताओ ये कितना हो गया, हाफ, ठीक है भाई, ये वाली लेंथ कितनी, d1 by 2, ये वाली लेंथ कितनी, d2 by 2, क्यों, क्योंकि दोनों ही तो बराबर हैं, तो अब की बार मैं लिखूंगा कितना, हाफ d1 upon 2 into में कितना,
डी टू बाई टू इंटू में कितना साइन पाई माइनस थीटा, हाँ या ना? और आपको बताइए ये क्या है, साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब एरिया वहां पे सेम आएगा, हालांकि दिखता नहीं है, ये लगता नहीं है कि ये दोनों एंगल का एरिया सेम, लेकिन मैं इनडायरेक्टली एक और क्वेश्चन कवर कर गया कि ये और ये ट्राइंगल का एरिया सेम है, सही ना भाई? अच्छा खैर, फिलहाल एडीओ का एरिया आ गया। अच्छा मेरे को तो निकालना है किसका एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? बिल्कुल, फोर इंटू में ट्राइंगल एडीओ, अगर मैंने एडीओ का एरिया का चार गुना कर दिया तो चार इंटू में कितना हो गया ये, है ना भाई? डी वन डी टू नीचे चार इंटू दो इंटू में कितना साइन थीटा, एंड फाइनली इट इज वन अपॉन टू डी वन डी टू साइन थीटा, राइट है भाई? ट्राइंगल सॉरी पैरेललोग्राम का एरिया, ये एक और चीज है जो काम की निकल गई हमारे लिए, ठीक है? मैंने कहा था ना बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले टाइम में मैं बात करता रहूंगा, ठीक है? उनमें पैरेललोग्राम की ब्रीफिंग हो गई। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, फर्स्ट का ए बी है ना, ये वाला पॉइंट हो गया सी, ठीक है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डी। लिख लीजिएगा फटाफट से, एरिया ऑफ पैरेलल, ठीक है ना, व्हेन लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, नहीं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स आर नोन, ठीक है भाई? अगर बाय द वे डिस्टेंस पता हो, क्या डिस्टेंस का मतलब समझा देता हूं फटाफट से, आप अगर जल्दी से देख लें तो, ठीक है? ये अपने पास पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो डिस्टेंस का मतलब समझाता हूं। डिस्टेंस का मतलब हो गया इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस है ना, ये थोड़ा आपको अब थोड़ा एक्स्ट्रा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। डिस्टेंस ये है, राइट है? ये डिस्टेंस है, या तो परपेंडिकुलर लेंथ डिस्टेंस होती है, तो मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस बन गई, राइट है? ऐसे ही मैं परपेंडिकुलर इस पे डाल रहा हूं, ये डिस्टेंस है, इन दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसको मैंने नाम दे दिया पी वन, इन दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया पी टू। बस मैंने सिर्फ आपके इमेजिनेशन की बात करी है, वरना अगर कोई वाकई में कोई थोड़ा समझदार बंदा है तो उसे पता होना चाहिए 90 डिग्री अंदर नहीं बनेगा, बाहर बनेगा, लेकिन यार फिर फोटो खराब हो जाएगी, आपका दिल भी खराब हो जाएगा, छोड़ यार, है कि नहीं? इसलिए मैंने जानबूझ करके पी वन पी टू को अंदर ले लिया है, इतनी बात तो पकड़ मारी है, ठीक है? अच्छा, अगर ये पी वन पी टू को मैंने अंदर ले लिया है तो एक बार के लिए इस वाले को थीटा मान रहा हूं, मान लो थीटा। अच्छा, अगर मैंने थीटा मान लिया तो मुझे क्या करना है, मुझे तो एरिया निकालना है। अच्छा, एरिया निकालने का तरीका क्या है, मेरी थॉट क्या है? एरिया निकालने के लिए मेरी थॉट है कि मैं ये मिलाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास में, मेरे को सिर्फ पी वन पी टू में निकाला, पी वन पी टू में थॉट देखना जरा, राइट है? मेरे पास में एरिया निकालने के लिए जगह क्या है, मेरे को ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, क्या मैं उसे डबल कर दूं? चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा काम? आंसर बोलो क्या होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर भाई देखे डिस्टेंस पता है पी वन पी टू कैसे सोचेंगे तो, अच्छी चीज पूछिए मैंने आपसे, है ना? थोड़ा और साइंटिफिक कर देता हूं, तब तक मैं अपनी उस वाली बात को भी हटा देता हूं, ठीक है? पी टू वाली बात को आप सोच लेना, ठीक है? देखो सोचने की जगह दे रहा हूं मैं आपको, 90 अंदर ही बनेगा, नहीं यही बनेगा, ये वाले का पी टू है लेंथ, लो वापिस रिक्रिएटेड। पी वन पी टू का यूज करना है बस, मेरे को सिर्फ पी वन पी टू बताएं और कुछ नहीं पता, लॉजिक लगाओ, पी वन पी टू को कैसे यूज करूं मैं, क्या क्या थीटा क्यों लिया, मतलब आप ऐसे ही निकाल लो, आंसर निकालो बस, कैसे भी करके दिमाग के घोड़े दौड़ो, पी वन पी टू बताएं, आपको एरिया बताना है, आंसर बता देता हूं मैं आपको, आंसर है इसका P1 वन इंटू पी टू इंटू कॉसेक ए, ये वाला साइड है, लो बस P1 वन इंटू पी टू इंटू कॉसेक ए,
अब तो बन जाएगा हमें से कहीं से। हाँ चलो फटाफट दिमाग लगा रहे हैं आप लोग, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। P1 इंटू P2 इंटू cos A, रास्ता दिखा दूं, है ना, रास्ता वही है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसका दुगना करना है। नंबर वन, तो आपके दिमाग में पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए, 2 इंटू हाफ वो कट चुका है, 2 इंटू हाफ कट चुका है। अब बेस इंटू हाइट काम का है, हाइट कितनी है P1, हाइट कितनी है P1, बेस नहीं पता, बेस तो दिया ही नहीं ना, अब बेस निकालो, बस बेस ही आंसर। किसी को पता है ये 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 लेंथ कितनी है, ये निकालनी है आपको। इसको एक बार के लिए x मान लो, ये एंगल आपके पास पड़ा है, इस एंगल का नाम क्या है, अरे a, इस एंगल का नाम क्या है a, दिख रहा है क्या आपको, ये वाला एंगल a, अगर ये a है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड क्या हो गई हाइपोटेन्यूज। अच्छा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को लेके कौन सा ट्रिगो लू, अरे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर P/H याद आ गया, तो P2/X इज इक्वल टू कितना हो गया साइन ए, हुआ कि नहीं हुआ, तो X इज इक्वल टू कितना हो गया P2 cos A, बराबर है कि नहीं। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर चल रहा हूं, एरिया देखो कितनी घटाघट निकल गया, एरिया इज इक्वल टू मैं हाफ इंटू ट्वाइस, याद है 2 इंटू हाफ, ट्वाइस कर रहा हूं इंटू हाफ कर रहा हूं, इंटू में बेस, बेस की बात करता हूं, बेस माने एक्स लिख दो, इंटू में हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट कितनी P1 लिख दो, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स की जगह पे कितना लिख दूंगा P1 P2 cos A, एरिया आ गया। आसान, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई नेक्स्ट साइड डाले, सेकेंड रोम्बस, रोम्बस में अगर एक ही चीज है काम की, ठीक है ना, रोम्बस के अंदर क्या काम की चीज है वो याद दिला देता हूं। रोम्बस फोटो ऐसी वाली सही है, सबको पता है ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड होती है D1 और ये वाली कितनी होती है D2, सही है। सबसे पहले एरिया की अगर बात करती है तो एरिया इसको कितना होता है हाफ D1 D2, ये तो पता ही होगा, हाँ या ना। अच्छा अगर हाफ D1 D2 पता है, ये तो पता है ना, हाफ D1 D2 है ना। साथ में बस एक और चीज समझ के चलना, अगर साइड पता है A, जैसे इसकी साइड अगर A है ना, तो हम लोग कहते हैं किसी भी एक साइड से चलो जो A B C D, राइट है, तो अपने को पता चल गया ये वाली साइड का भी लेंथ कितना हो गया A, तो कितने लोगों को लगता है कि ये ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू में कितना हो गया हाफ A into A into साइन ए, अरे ए बी साइन ए की जगह A into A into साइन ए और उसका डबल, तो कितना लिख दूंगा एरिया इज इक्वल टू में, है ना, एरिया दूसरे तरीके से लिख रहा हूं 2 इंटू में कितना हाफ A into A into साइन ए, भावार्थ क्या निकल गया है ना A² sin A, बेहतरीन A² sin A एरिया इज इक्वल टू। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना, मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं ना मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, वो सबको पता ही है। अगले पॉइंट पे ट्रेपेजियम, ठीक है, थर्ड पॉइंट फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो जो रह गया उसके ऊपर बात कर रहा हूं, ट्रेपेजियम, ठीक है भाई, ट्रेपेजियम क्या कह रहे हैं आओ, ट्रेपेजियम की फोटो याद है ना, राइट है, ऐसा ले लेते हैं ट्रेपेजियम की फोटो, है ना, नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ABCD, अच्छा ABCD के सिवा, ठीक है, काम की बात नंबर 1, यहां पे इस वाले एंगल को मैं θ1 नाम दे रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं θ2, राइट है। अच्छा ये एक लाइन निकाल रहा हूं दोनों मिड पॉइंट से, इस लाइन का नाम दे रहा हूं L, ये काम है, काम की चीजें तो मैं लिखवाऊंगा, वो लिखते चलो पहला काम, राइट है भाई। ट्रेपेजियम के अंदर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लिखना है θ1 एंड θ2 आर नोन एज बेस एंगल्स, बेस एंगल्स, हाँ क्वेश्चन के अंदर सीधा उठा लेगा वो, ट्रेपेजियम में बेस एंगल दे रखे हैं तो अपने को पता होना चाहिए बेस एंगल क्या होते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिएगा θ1 एंड θ2 आर बेस एंगल्स, लिख लिया θ1 एंड θ2 आर बेस एंगल्स, लिख लिया θ1 एंड θ2 आर बेस एंगल्स। हाँ भाई अगला पॉइंट लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट है, इफ θ1 इक्वल टू θ2, इफ
theta 1 equal to theta 2, then trapezium is known as, then trapezium is known as isosceles trapezium. क्वेश्चन क्या था, पूछ सकता है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया रखा है, तो आपको पता होता ना चाहिए तुरंत कि ये दोनों साइड क्या एंगल बराबर हो गए, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. क्लियर हो गया? हाँ भाई, अगला पॉइंट लिखेगा लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स, टू नॉन पैरेलल साइड इज नोन एज, इज नोन एज मीडियन ऑफ द, इज नोन एज मीडियन. हाँ ये भी समझना, ट्रेपेजियम में भी मीडियन होता है, इज नोन एज मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम, इज नोन एज मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम. राइट है भाई? बस इसके बारे में इतना ही, अगले पॉइंट पे चलो, पॉइंट नंबर तीन के बाद चार लिख दिया, फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है ना. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आइडल इज कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम, है ना भाई. कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम क्या कहती है, ये हमेशा पहली बात तो एक सर्कल में लगती है, नंबर वन, है ना. सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे को काट गई, किसी भी एंगल पे काट रही हो, ठीक है ना. अच्छा, ये वाली लंबाई अगर x है, यहां से यहां तक की लेंथ अगर x है, और ये वाली लेंथ अगर y है, राइट है, और ये वाली लेंथ अगर a है, और ये वाली लेंथ अगर b है, राइट है. तो लिख लीजिएगा कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम, ये वही है टॉलमी थ्योरम, टॉलमी, याद है ना भाई. हाँ, तो इसमें क्या है काम की बात, देखो मैं इसको आसान शब्दों में बोल रहा हूं, ठीक है ना. आसान शब्दों में क्या है, है ना, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम, दो कॉर्ड्स किसी भी अचानक से किसी भी एंगल पे काट जाए, कोई जरूरी नहीं 90-90, मैं तो जानबूझ करके फोटो ऐसा बन गया, राइट है. तो हम लोग बोलते हैं एक्स इंटू वाई बराबर ए इंटू बी. एक्स क्या चीज है, यहां से तक की लेंथ, और ये कहां से कहां तक की चीज है, वाई नीचे से इंटरसेक्शन पॉइंट से नीचे तक की लेंथ, है ना. तो एक्स इंटू वाई बराबर ए इंटू बी, ये कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम होगी. काम की बात, अगले पॉइंट पे आ जाओ. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है ना, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर फाइव, पांचवा पॉइंट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. आ जाए बात करें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सबको ध्यान है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. हाँ जाए, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की फोटो भी ध्यान है ना सबको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो कैसे भी बन जाए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी, राइट है. वेरी श्योर आप सबको पता होगा, एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई, एंड दूसरी तरह से एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू पाई, राइट है भाई. हाँ लिख लीजिएगा आगे, यहां से आगे फोटो बना लेना फटाफट फटाफट. अगला पॉइंट है, हाँ ठीक है भाई, आपको ये तो पता होगा ये पाई जब भी बनता है तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, है ना. हाँ भाई अगला पॉइंट लिख लीजिएगा. अच्छा मैं इतनी देर से इसको डील कर रहा हूं, लफड़ा इसके साथ बेचारे. हाँ भाई अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट बहुत ही काम की थ्योरम है, थ्योरम लिखना है इसके अंदर, लिख ऐसा नहीं ऐसा लिख रहा, ठीक है ना. एबीसीडी फोर पॉइंट्स लिखे, पहले ये लिखना ये, क्योंकि ये भूल जाऊंगा नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाएगा. एबीसीडी फोर पॉइंट्स लिख लिया, ए बी सी डी फोर पॉइंट्स, ठीक है ना, आर नोन एज कॉन्साइक्लिक पॉइंट. ए बी सी डी फोर पॉइंट्स आर नोन एज कॉन्साइक्लिक पॉइंट, ठीक है भाई. उसके बाद लिखेगा बहुत ही काम की चीज, बहुत ही काम की चीज, कंडीशन टू चेक, कंडीशन टू चेक, ठीक है ना, लिखेगा कंडीशन टू चेक वेदर, बहुत ही काम की चीज है, अलग से हाईलाइट करके लिखना, अंडरलाइन कर लेना, अच्छे से पता होना चाहिए चीज. कंडीशन टू चेक वेदर ऑल फोर पॉइंट्स, वेदर ऑल फोर पॉइंट्स आर इन, वेदर ऑल फोर पॉइंट्स आर इन, नहीं आर इन नहीं, आर कॉन्साइक्लिक और नॉट, आर कॉन्साइक्लिक और नॉट, ठीक है, आर कॉन्साइक्लिक और नॉट, ठीक है. क्या तरीका क्या होता है पता है कॉन्साइक्लिक को चेक करने का, ये आगे जाके काम आती रहेगी अगले सालों तक, ठीक है. अगर देखा जाए तो इसको ये ऐसे चेक करते हैं, ए बी लिख लो पहले तो,
ए बी क्रॉस सी डी प्लस बी सी क्रॉस ए डी, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए सी क्रॉस बी डी, ठीक है भाई, लिख लिया। हाँ भाई, अगले पॉइंट पे बात करता हूं फिर से। आगे की बात क्या है ना, ये यहां से लेके यहां तक इसके नीचे लिखना और इस बास्केट के नीचे लिखना, ये दोनों क्या चीज है पता है आपको, लिख देता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है, और इसके आगे लिखना सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि सम कर रहे हो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में ना आमने सामने वाली साइड, रटनी थोड़ी ना, ये रट के जाओगे आप तो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट प्लस इसका और इसका प्रोडक्ट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, ये मेन थ्योरी, राइट है, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं, अच्छा ब्रीफिंग के अंदर अगला पॉइंट, ये मेरे मुंह से नहीं निकला लेकिन कहीं कॉपी में कमी न लगे, आपको लगे कि यार ये तो बात ही नहीं करी सर, है ना, लेकिन फिर भी बात कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कल आपने अपना जलवा दिखा दिया था इसमें लेकिन लिखा नहीं था मैंने, मिड पॉइंट फार्मूला पता ही आपको, आए ना, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट एच इज इक्वल टू कितना, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और लिख लो बस एक बार, कहीं ना कहीं अड़ा अड़ो के छोड़ दो, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, मिड पॉइंट तो सबको ही पता होना चाहिए ना, मिड पॉइंट फार्मूला, राइट भाई। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट इज, अरे वेरी गुड, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है भाई, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, फटाफट, पहला सेंट्रॉइड, ठीक है भाई, लिख लिया, सेंटर ऑफ ट्राइंगल में पहला सेंटर सेंट्रॉइड, डिनोटेड बाय जी, राइट है भाई, डिनोटेड बाय जी, अब लिखेगा आगे, है ना, मेड बाय मीडियंस, पता होगा ये तो, मेड बाय मीडियंस, ठीक है, कहने का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन है ये बेसिकली, है ना भाई, लिख लिया ये भी, अच्छा मेड बाय मीडियन, पॉइंट नंबर सी पे आ जाओ, ठीक है, डिवाइड्स, ठीक है ना, मीडियन डिवाइड्स मीडियन इन 2:1, ठीक है ना, 2 के नीचे लिख लेना वर्टेक्स वाला साइड, वर्टेक्स वाला साइड 2 है, याद रखना ये छोटी बात, ठीक है, वर्टेक्स वाले साइड पे 2:1 होता है, अच्छा करें बात आगे, है ना, फोटो में क्या है, खटाखट खटाखट इसको रोक दूं मैं, मीडियन फोटो ऐसी बनती है, ये मीडियन राइट है, नाम क्या पड़ गया, ए बी सी, ये वाला पॉइंट है जी, ठीक है, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, उम्मीद है आपने डायग्राम बना लिया, सही है, सबसे आसान डायग्राम ही इसका होता है, इसमें कोई लफड़ेबाजी नहीं होती, ठीक है, अच्छा हम लोगों की जो चर्चा चल रही है वो यही चल रही है, मैं ये कह रहा था कि ये साइड का यहां से यहां तक का रेशियो कितना होता है 2 और ये वाला रेशियो कितना होता है 1, उसी प्रकार ये कितना होता है 2 और ये होता है 1, हालांकि देखो, ठीक है, ये आयरनी है, आयरनी, ठीक है, आयरनी ऑफ थिंग्स है, ठीक है ना, क्या कि मैं सेंट्रॉइड अभी बात कर रहा हूं और सेंट्रॉइड पे धासु क्वेश्चन हम पहले ही दिन कर चुके, आप में से किसी को याद हो 2p/3 याद है यार, 2q/3 है ना, आयरनी ऑफ कंसेप्ट है, मतलब अगर देखा जाए हम लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, तो इस पे रुकना बेकार है, इस पर रुकना ही बेकार है, ठीक है, मेजरली थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन इनटू एसओटी, सारे के सारे सेंटर्स उन्टर सब कर चुके हैं, बट स्टिल रीडेरिवेशन ऑफ द थिंग्स, तो इसलिए फटाफट भाग सकते हैं, ठीक है, ये सबको पता है रेशियो 2:1 होता है, अच्छा अब पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में अंतर क्या है, हमारे पास तब कोऑर्डिनेट नहीं थे, अब कोऑर्डिनेट है, राइट है, अच्छा ये अगर कोऑर्डिनेट है तो ये x3 y3 सही ना भाई, अच्छा कितने लोगों को पता है ये कौन है ये लाइन,
ये कौन है? ये मीडियन है। मीडियन क्या करती है? सामने वाले को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? 1:1 याद है ना? इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। अगर मिड पॉइंट हो गया तो चमकने लग गया कितना? x2 + x3 / 2 कॉमा कितना? y2 + y3 / 2 ये तो चमक गया। अरे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चमकने लगे ना। अच्छा और ये वाला तो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जी, ठीक है ना, वो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अगर जी से 2:1 में डिवाइड कर रहा है, डायरेक्ट उठाऊंगा, डायरेक्ट पकड़ लेंगे आप, है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में पहला कोऑर्डिनेट उठा रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं, वो एक से सबके साथ में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ भाई बात करूं, है ना। हाँ मैं ये कह रहा हूं, 1 की गुणा किससे करूं? ऊपर वाले के x से। तो 1 × x1 बोले तो x1 + 2 × this, 2 से मल्टीप्लाई होते, 2 से 2 कट गया, हाँ है ना। कितना रह गया? x2 + x3 / नीचे कितना? 1 + 2, हाँ है ना। अच्छा उसी तरह से y के लिए भी खेलूंगा, 1 × this, ठीक है, 1 × y1 ही हो गया, और 2 × this, 2 से 2 कट गया, तो कितना रह गया? y2 + y3 एंड होल डिवाइड बाय नीचे कितना? 1 + 2। अब पूरी कहानी में दोबारा ऐसे एंटर करिए, क्या आपको पता चल गया? मैं देखो लिख क्या रहा हूं, नोटेशन इंपॉर्टेंट है। क्या इसे मैं समेशन x1 बोल सकता हूं? Yes, समेशन x1 का मतलब आप अपने आप ही समझ गए। ट्रायंगल में 3 ही हो सकते हैं x कोऑर्डिनेट, x1 x2 x3 / 3, और यहां कितना बोल दूंगा? समेशन ऑफ y1 / 3। अगले बात हो, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। मैं मुश्किल से 2 मिनट और लूंगा, बस 2 मिनट, है ना, मैं 7:30 भी नहीं खींचूंगा, है ना, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है, मेरे को अगला पीरियड भी पढ़ाना है, ठीक है। चाय तो नाम है कि नहीं? अच्छा सही, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा गैप चाहिए। हाँ भाई सेकंड पॉइंट सुनना, लेकिन है ना, इससे पहले कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं, ठीक है, लिख लीजिएगा मीडियन, हाँ ये वाला पॉइंट लिख करके चलना है इस वाले पे, ठीक है ना। मीडियन नहीं, हाँ पहले मीडियन पे बात कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीडियन डिवाइड्स, ठीक है, मीडियन में बात रह ही जाएगी नहीं तो, ये मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इन टू इक्वल एरिया, मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इन टू टू इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। पता है क्या जबरदस्त चीज है, इसको समझना आप, ये वो कंसेप्ट है ना जो बुक्स में नहीं मिलेगा, हवा नहीं लगती, लोगों को पता चलता बाद में कि अगर भाई दो फोटो ऐसी है ना, इसने इसका मीडियन बना लिया तो ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया। ये बताने की कोशिश है मेरी, है ना। अब देखो ये स्लिप हो जाता मेरे दिमाग से जल्दबाजी में, ठीक है, रह गया, अच्छा वो बच गया। अच्छा सेकंड पॉइंट इसका, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट लिखेगा, ठीक है ना, सेंट्रॉइड, ठीक है ना, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ट्राइंगल इन 3 equal parts, याद है ना, ये तो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ट्राइंगल इन 3 equal parts, पकड़ में आया ये बात? नहीं आया? आप चाहो तो ये वाली फोटो बना सकते हो, इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया, ये दोनों का एरिया इक्वल है, area 1 = area 2, एट area 1 = area 2, है ना भाई। पॉइंट नंबर नेक्स्ट फटाफट से, है ना, पॉइंट क्या है? येन सेंटर, नहीं नहीं अरे ये लेंगे तो टाइम लग जाएगा, कल के दिन लेते हैं ना भाई।